नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए देश भर में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नशे से आजादी के इस अभियान में दिल्ली पुलिस भी मजबूती से जुटी है, ताकि आमजन को नशा ना करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। नशे की लत लोगों में, विशेषकर युवाओं में बढ़ती जा रही है। समय रहते अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो समाज को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसीलिए भारत सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर शोर से चल रही है। इसी उद्देश्य से देश भर में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस भी नशाखोरी पर लगाम कसने के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। 12 से 26 जून तक मनाए जा रहे इस पखवाड़े के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पुलिस मुख्यालय में ड्रग फ्री इंडिया के बारे में सार्वजनिक संदेश देने वाले पुलिस बैरिकेड स्टिकर का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ उन्होंने नुक्कड़ नाटक, जनसंपर्क वाहन और धावक टीम को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सबका मकसद नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराने के साथ साथ नशा मुक्त भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। दो रथ हमने बनाए हैं, दो गाड़ियों को हमने मॉडिफाई किया है। ये गाड़ियां पहले दिल्ली पुलिस में कोविड के दौरान कोविड अवेयरनेस के लिए आई थी, तो उनको हमने अब ड्रग अवेयरनेस के लिए उसको मोल्ड किया है, उसमें सामग्री लगाई है, साथ में उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह लगाई हैं। तो ये गाड़ियाँ या रथ कह लें, जो पूरे दिल्ली में घूमेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी, वहाँ पे इनको दिखाया जाएगा बच्चों को ये मूवीज़ कि किस तरह ड्रग के क्या नुकसान है, उससे क्यों दूर रहना चाहिए। साथ में हमने एक और नई चीज़ सोची इस बार कि दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हर गली हर सड़क पे रहते हैं, तो इस दौरान हम इस पखवाड़े में उस स्टिकर लगा दिए हमने उन पे, जिसमें इंडिया सेज़ नो टू ड्रग्स और नशे से दूर रहें ये बात की स्टिकर लगाए हैं। ड्रग्स की लत एक गंभीर समस्या है। नशा करने से व्यक्ति खुद तो बर्बाद होता ही है, उसके परिवार और समाज को भी इसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नशा करने से व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाती है। यहाँ तक कि नशा व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता रहा है। डिमांड में ज्यादातर वल्नरेबल है यूथ, जो हमारे युवा पीढ़ी है, उनको फोकस किया जा रहा है कि वो किसी गलत संगति, दुसंगति कह सकते हैं, उसमें पड़ के या किसी प्रेशर में आके कि अरे भाई ये तो बड़े ही स्टाइल की बात है, शान की बात है शराब लेना, ड्रग्स लेना, तो उन सब चीज़ों से बचे। मादक पदार्थों तस्करी के कई बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने अनेक शातिर ड्रग स्मगलर्स पर शिकंजा कसा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच सहित दिल्ली पुलिस के सभी जिलों और इकाइयों द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इस साल के पहले 5 महीनों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत कुल 518 मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त करते हुए 2674 मादक पदार्थ तस्करों को सलाखों के पीछे पहुँचाया है। हम लोग लगातार एक्शन लेते रहे हैं, जैसे इस साल भी हमारे दिल्ली पुलिस में 500 से ऊपर केसेस हैं, लगभग 700 आदमी अरेस्टेड हैं और करीब करीब 250 किलो ओपीएम और गांजा करीब करीब 1700 किलो है, 35 किलो हेरोइन या स्मैक हमने रिकवर किया है, पॉपी हेड है फिर 71 किलो, 15 किलो कोकेन भी रिकवर हुआ है, 20 किलो एफेड्रिन रिकवरी है इस साल। इसके अलावा एम्फिटेमाइन, मैथ वगैरह की भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है MDMA में और कुछ टैबलेट्स जो इस्तेमाल होती हैं केमिस्ट वगैरह, तो ये सारा एक्शन चल रहा है सप्लाई साइड। दिल्ली पुलिस ड्रग्स के कारोबार को तहस नहस करने और लोगों को नशे की लत से बाहर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आम लोगों से भी ये अपील की जाती है कि वो नशे के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के इस प्रयास में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश।
किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं, अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें, अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी PCR वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। हाल ही में पुलिस मुख्यालय में आयोजित फोटो प्रदर्शनी का दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने फोटो प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। इस अवसर पर पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त और प्रसिद्ध फोटोग्राफर नरेश बेदी, विशेष पुलिस आयुक्त संजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में फोटोग्राफी प्रतियोगिता पुलिस इन पिक्सल्स नाम से आयोजित प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त शॉर्टलिस्टेड तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया था। प्रदर्शनी के दौरान प्रोफेशनल कैटेगरी के शीर्ष विजेताओं और बिगिनर कैटेगरी के विजेताओं को पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दिल्ली पुलिस द्वारा इस साल फोटोग्राफर्स की दो श्रेणियों यानी प्रोफेशनल और बिगिनर के लिए पुलिस इन पिक्सल्स नाम से एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त संजय सिंह ने पुलिस डायरीज 2023 बुक का विमोचन किया। ये बुक पेशे से वकील अंशुल जैन द्वारा लिखी और संपादित की गई है। इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून मुद्दों, मसलन FIR, बयानों, जांच, समन और वारंट के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। एक बहुत ही अच्छा ये रेफरेंस टेक्स्ट बुक है, चाहे ये बिगनर्स जो लॉ स्टूडेंट्स हों, वो हों, जुडिशरी से ताल्लुक रखने वाले एडवोकेट्स हों और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, और एज अ ट्रेनिंग बुक, एज अ रेफरेंस बुक, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, एक अच्छा रेफरेंस टूल रहेगा। हाल ही में बाहरी जिला पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत वी केयर नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम कर विश्वास कायम करने के मकसद से आयोजित ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों, स्कूली बच्चों, लड़कियों, महिलाओं और युवाओं को समर्पित था। कार्यक्रम के दौरान पुलिस सड़क सुरक्षा वैन SPUWAC के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस और साइबर थाने के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की कई पहलों के बारे में नागरिकों को जागरूक किया। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, आत्मरक्षा डेमो और युवतियों को हिम्मत प्लस ऐप के बारे में भी जागरूक किया गया। इसके साथ ही वहां मौजूद सीनियर सिटीजन से सीनियर सिटीजन ऐप इंस्टॉल करने का भी अनुरोध किया गया। ट्रैफिक यूनिट के अधिकारियों ने सभा को सड़क सुरक्षा के टिप्स के बारे में जागरूक किया। वी केयर कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस मजबूती से डटी है। जुर्म की रोकथाम में लोग भी दिल्ली पुलिस का सहयोग कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त संजय सिंह द्वारा ट्वीट के मुताबिक, लोग पुलिस की आंख और कान बनकर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मददगार बन सकते हैं। यदि आपके पास अपराध या अपराधियों से संबंधित कोई भी जानकारी है तो फौरन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14547 पर कॉल कर इस जानकारी को पुलिस को दें। अगर जानकारी देने वाला चाहेगा तो उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, साथ ही जानकारी देने वाले को दिल्ली पुलिस द्वारा पुरस्कार भी दिया जाएगा।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कपिल सांगवान गैंग के शार्प शूटर एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक अंतर्राज्यीय गैंगस्टर पंकज को भी पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब रही है। पकड़ा गया नाबालिग द्वारका इलाके में हुए सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड का मेन शूटर है। वहीं पंकज भी 5 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। ये विदेश में बैठे अपने आका के इशारे पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस के गिरफ्त से बचने के लिए ये अपना ठौर ठिकाना बदलते रहते थे। पुलिस को इन दोनों के सफदरजंग एनक्लेव इलाके के डियर पार्क के नजदीक मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आर के खन्ना स्टेडियम के पास ट्रैप लगाया और मुठभेड़ के बाद इन्हें धर दबोचा। अब जो ये वारदात करने वाले थे, ये दिल्ली में एक नीरज भवानिया गैंग का एक बड़ा गैंगस्टर है जिसके ऊपर काफ़ी केसेस हैं, उसका मर्डर करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। एक हफ्ते से इन्होंने दिल्ली में बदल बदल के होटलों में रहना, गुड़गांव में जाना, यहाँ पे बाइक और वेपन्स को अरेंज करना, जो पहले से जो एक कार्टेलाइजेशन और कॉरपोरेट स्टाइल की जो इनकी क्राइम सिंडिकेट है उसी हिसाब से काम कर रहे थे, जहाँ पे एक दूसरे का पता नहीं होता है कि वहाँ पे वो मिलेगा, वहाँ पे उससे उस होटल में चले जाना, होटल से आगे वहाँ पे बाइक मिलेगी, वहाँ पे ये हथियार मिलेगा, हथियार ठीक नहीं है तो दूसरी जगह से दूसरा हथियार लेना, तो पूरा इनका जो नेटवर्क है उस हिसाब से काम कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 पिस्टल सहित 7 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने मोरी गेट के पास हुए सड़क हादसे में शामिल आरोपी जैनुल को गिरफ्तार किया है। इस हादसे में कश्मीरी गेट इलाके में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेश लिलोठिया की पत्नी मधु लिलोठिया की मौत हो गई थी। हादसा मोरी गेट के पास हुआ, जहां जैनुल ने अपने कार से मधु की कार में टक्कर मार दी थी। टक्कर लगते ही मृतका की कार का संतुलन बिगड़ा और उनकी कार मेट्रो के पिलर नंबर 35 से जा टकराई। इस एक्सीडेंट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीसीआर से इस घटना के बारे में मिली जानकारी के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले एवं टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से आरोपी जैनुल को धर दबोचा। पहले प्रेमा फैसे लग रहा था कि ये खुद ही टक्कर पिलर पे लगी है, लेकिन हमने जो तकनीकी जो टेक्निकल सर्वेलेंस डाल के और थोड़ा सा मुखबिरी वगैरह के चलते पता किया कि एक ब्रीजा कार थी जिसके साथ इस कार की टक्कर हुई है। आगे फुटेज चलते चलते देखते देखते ये 12 घंटे में केस खुल गया है। जब ये लेडी अपने घर जो कि आनंद पर्वत में है, वहाँ से रोज़ की तरह बोंटा पार्क में सैर करने आती थी, गाड़ी खुद अकेली चला रही थी, और ये जो शख्स है जो हमारा आरोपी है, ये सुबह नांगलोई से अपने किसी कज़न वगैरह के घर से जो रात को रुका था वहाँ, ये अपने घर सीलमपुर आ रहा था और इसकी टक्कर लगी है। लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया है और गाड़ी भी जब्त कर ली है। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाश इरफान और सलमान को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शास्त्री पार्क थाने के घोषित बदमाश हैं। इरफान पर चोरी, झपटमारी, लूटपाट और एम्स एक्ट के 31 मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं सलमान भी चोरी और झपटमारी के 7 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कई आपराधिक मामलों में शामिल 2 बदमाश वेलकम इलाके में जाफराबाद स्थित कम्युनिटी सेंटर के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन और चुराए गए 9 दोपहिया वाहन बरामद करते हुए 12 आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक तस्कर मुकुंद सिंह को गिरफ्तार किया है। मुकुंद की पहचान पंजाब के रहने वाले दिलप्रीत सिंह से थी और दिलप्रीत का साथी दुबई में था। कुछ टाइम बाद दिलप्रीत अमेरिका चला गया, लेकिन इसके इशारे पर मुकुंद मध्य प्रदेश के बहरामपुर से हथियार लाकर दिल्ली और पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के मेंबर्स को सप्लाई करता था। हथियारों को लाने ले जाने के लिए ये कार का इस्तेमाल करता था और इस कार में हथियार छिपाने के लिए इसने कार में कैविटी बनाई हुई थी। ऐसे ही एक रोज़ जब ये हथियार सप्लाई करने के लिए सराय काले खां ISBT के पास आया तो पुलिस को इसकी जानकारी हाथ लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 25 पिस्टल सहित
50 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। शाहदरा जिला पुलिस ने दो छात्र झपटमार फहीम अहमद और कासिम सहित चोरी के फोन के एक रिसीवर मोहम्मद नादिर को गिरफ्तार किया है। फहीम 12 आपराधिक मामलों में पहले से शामिल रहा है, वहीं कासिम पर भी 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में मानसरोवर पार्क थाने में एक शख्स ने अपना मोबाइल फोन झपटे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे CCTV खंगाले, जिसमें एक स्कूटी संदिग्ध अवस्था में मिली। इसके बाद पुलिस ने स्कूटी के बारे में जानकारी जुटाई और दुर्गापुरी चौक के नजदीक ट्रैप लगाकर फहीम को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने कासिम और नादिर को भी उनके ठिकानों पर छापेमारी कर धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटे गए 15 मोबाइल फोन और चुराई गई एक स्कूटी बरामद करते हुए 2 आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मोरी गेट इलाके में हुई एक ट्रैवल एजेंट की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी संजय चौहान को गिरफ्तार किया है। आरोपी भारतीय सेना से रिटायर हो चुका है, जिसके बाद से ये दिल्ली इटावा कानपुर रूट पर बस चलवाने का काम कर रहा था। मृतक ट्रैवल एजेंट अखिलेश तिवारी इसकी बसों के लिए टिकट बुक किया करता था। अखिलेश ने संजय से 1.5 लाख रुपए उधार ले रखे थे और इसके बस रूट पर अपनी बस चलवाना चाहता था। इसी बात से खफा होकर संजय ने इसकी हत्या की साजिश रची और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अखिलेश के ऑफिस में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके दोनों साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन संजय फरार चल रहा था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या के मामले में वांछित आरोपी उत्तर प्रदेश के इटावा में छिपकर रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने इटावा के अवारी गांव में दबिश देकर इसे धर दबोचा। झपटमारी के आरोप में द्वारका जिला पुलिस ने एक महिला किरण और उसके पति अनुज वर्मा को गिरफ्तार किया है। अनुज पिछले काफी समय से चोरी और झपटमारी की वारदात को अंजाम देने में लगा हुआ था। हाल ही में इन दोनों ने द्वारका के सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक महिला से फोन छीन लिया और फरार हो गए थे। पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर छानबीन में जुटी पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे CCTV खंगाले और दोनों आरोपियों की पहचान कर ली। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये दोनों उत्तम नगर के ओम विहार में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटा गया एक मोबाइल और झपटमारी में इस्तेमाल एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। सेल्फ डिफेंस के जरिए महिलाएं आसानी से सुरक्षित रह सकती हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया गया है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विशेष तौर पर लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में बड़ी संख्या में युवतियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। हाल ही में इन शिविरों का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिनमें इन युवतियों का उत्साह और आत्मविश्वास साफ तौर पर दिखाई दिया। एक रिपोर्ट। एक स्वस्थ परिवार, सुरक्षित समाज और प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान है सशक्त महिला। महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस की कोशिशें लगातार जारी हैं। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम सशक्ति दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन की एक ऐसी ही पहल है। इसके तहत लड़कियों और महिलाओं को मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। इन आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए
इस यूनिट द्वारा गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान हर साल लगभग 2 सप्ताह के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर इन प्रशिक्षण कैंप्स का आयोजन किया जाता है। इस बार भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वार्षिक समर कैंप आयोजित किए गए। हाल ही में छोटू राम पब्लिक स्कूल में आयोजित इन शिविरों के समापन समारोह में विशेष पुलिस आयुक्त सुनील कुमार गौतम समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि शहर की महिलाएं न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि हर मायने में सशक्त भी हैं, और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इस 10 दिवसीय सेल्फ डिफेंस कोर्स के समापन समारोह में मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुख्य रूप से तो ये प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का कंक्लूजन ही था, लेकिन मैंने देखा कि ये एक प्रकार से कल्चरल प्रोग्राम भी हो गया था और इससे पूरे हम लोगों में बहुत ही जोश बढ़ गया, बहुत ही उत्साह वर्धन हुआ हम लोगों का, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के दौरान लड़कियों द्वारा इन कैंप्स में सीखे गए मार्शल आर्ट्स के गुरुओं को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया। वहां मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनके प्रदर्शन को देखा और उनका उत्साह बढ़ाया। खास बात यह है कि लड़कियों को मार्शल आर्ट्स के अलावा दुपट्टा, पेन और हैंडबैग जैसे मामूली चीजों को भी आत्मरक्षा में इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इससे वे असामाजिक तत्वों और मनचलों द्वारा छेड़छाड़, चेन या बैग छीनने जैसे आपराधिक हमलों से अपना बचाव कर सकती हैं। आत्मरक्षा का ये प्रशिक्षण महिलाओं के आत्मसम्मान को बनाने में मदद करता है और वो अपने आप को कमजोर और अपमानित नहीं महसूस करती हैं। आप लोगों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इतने कम समय में उसका अभ्यास करके हर बच्चे ने आया आकर यहाँ पर प्रदर्शन किया। 20 साल से ऊपर हो गए, इसमें से कोई भी बच्चा इतना बड़ा नहीं होगा कि 20 साल हो गए हैं तब से ये प्रोग्राम चालू है। और समझ लीजिए कि सेल्फ डिफेंस की टीम है हमारी जो आपके सामने है, आप अंदाजे नहीं लगा सकते तरह तरह की उम्र के लोग हैं इसमें, कुछ ज़्यादा उम्र के भी लोग हैं और इनका उत्साह देखते ही बनता है। तो ये तब से काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे आपको सुरक्षा आपके हाथ में दी जा सके। इस अवसर पर विशेष पुलिस आयुक्त ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इन कैंप्स में तकरीबन 2900 छात्राओं सहित एक वरिष्ठ नागरिक कुसुम लता, बेबी नव्या और कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के 50 अनाथालय के प्रतिभागियों को दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षकों द्वारा आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाई गईं। समर कैंप के दौरान नुक्कड़ नाटक और सभी स्थानों पर लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का प्रयास ये पक्का करता है कि दिल्ली में महिलाएं केवल सुरक्षित ही नहीं हैं, बल्कि हर मामले में सशक्त हैं। महिलाओं और लड़कियों के रोजमर्रा के जीवन में ये ट्रेनिंग काफी उपयोगी साबित होगी। इसके बारे में आप लोग और लोगों को भी बताएं कि हम इस तरह की ट्रेनिंग करके आए हैं और इससे हम खुद ही रक्षा कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति होता है वो आवाज से बहुत डरता है। अगर आपने टेक्निक भी आती है अपनी रक्षा करने की तो आप तेजी से आवाज लगाएंगी और अपनी रक्षा करेंगे तो वो अपने आप डर के भर जाएगा, आधा डर तो उसके दिमाग में हो जाएगा कि जब आपने तेजी से आवाज निकाली, ठीक है। तो ये इसकी ताकत है। महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा में माहिर बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों, RWA और BPO में कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित कर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5,06,515 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के तौर तरीके सिखाए जा चुके हैं और अब ऐसे लोगों से निपटने के थोड़े बहुत गुर तो आपने भी सीख ही लिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।